हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आई क्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी एक वीडियो है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड, इसमें कलर के ऊपर पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड यहां पे एक वीडियो बनाई गई है, जिसके अंदर 5S कलर का कोड स्टैंडर्ड यहां पे बताया जाएगा कि 5S कलर का कोड स्टैंडर्ड कैसा होता है, इसमें किस तरीके का कौन सा कलर कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पिछली बार कलर से भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर में बता रहे थे, कैंडिडेट आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक 5S कलर का ऊपर एक वीडियो है, स्टैंडर्ड चार्ट हैं जो कि जगह जगह यहाँ पर कंपनी के अंदर यूज करे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कलर है आपका येलो कलर। ये येलो कलर आप लोग देखेंगे, अब किसी भी प्लांट के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो येलो कलर की आपकी पट्टी रहती है जमीन पर, आप देखेंगे येलो कलर की एक लेन रहती है, ट्रैफिक लेन, जिससे यहाँ पे आपकी ट्रैफिक, मतलब जो जैसे क्रेन्स होती हैं या अदर जो कंपनी का जो भी आइटम्स होते हैं वो उस क्रेन्स के थ्रू या उस पट्टी के थ्रू उस पर लेन पे जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मशीन गार्ड्स होते हैं, वॉकवेज होते हैं, वर्क सेल्स वगैरह येलो से आप लोग देखेंगे। प्लांट में जैसे आप लोग एंट्री करेंगे तो येलो आपको लेन दिखाई देगी येलो कलर की, तो आप समझ जाएंगे येलो कलर आपका लेन, मशीन गार्ड्स हो गया, इन सबसे रिलेटेड होती है। बात करते हैं अगला कलर ऑरेंज की। तो ऑरेंज देखिए, ऑरेंज कलर का यूज़ किया जाता है मटेरियल और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, स्टोरेज लोकेशंस के लिए। तो ये ऑरेंज कलर का कहाँ यूज़ होता है? मटेरियल और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और स्टोरेज लोकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ऑरेंज डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्टोरेज लोकेशन के लिए कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूछ सकता है मटेरियल और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला कलर है ग्रीन। तो ग्रीन का देखिए यहाँ पे मटेरियल एंड कंपोनेंट फिनिश गुड, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो फिनिश हो चुके हैं, मतलब जो बन चुके हैं पूरी तौर से रेडी हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मशीन मटेरियल्स जो हैं उनके लिए आपका ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। साथ साथ जो सेफ्टी के आइटम होते हैं वो भी आपका जो है ग्रीन कलर से यहाँ पे शो करा जाता है। तो मटेरियल कंपोनेंट और फिनिश गुड के लिए और साथ साथ सेफ्टी के इक्विपमेंट के लिए ग्रीन कलर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है सेफ्टी के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं, या जो कंपोनेंट फिनिश हो चुके हैं उनके लिए ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। अब आता है रेड कलर, जो बचा हुआ मटेरियल होता है या डिफेक्टिव पीस होता है, तो उसके लिए यहाँ पर रेड कलर का टैग दिया जाता है। तो देखिए, जैसे कि डिफेक्ट्स आते हैं या फायर लग गई आग से रिलेटेड, या स्क्रैप मतलब जो बचा हुआ मटेरियल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, रीवर्क एंड रेड टैग एरियाज, अनयूज आइटम और ऐसे आइटम जिनको यूज़ नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर लास्ट ईयर था कि जो आइटम का अभी यूज़ नहीं किया गया है उन पे कौन सा कलर होता है। तो ऐसे आइटम जिनका अभी यूज़ नहीं किया गया है उन पे रेड टैग होता है, तो इसको आप लोग याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर देखिए, जो आपके इन्वेंट्री होती है, मतलब जो स्टॉक में मतलब कंपनी के अंदर इन्वेंट्री, मतलब क्या होता है, जो माल रखा जाता है आगे के प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब काफ़ी सारा इन्वेंट्री इसको रखा जाता है स्टोर करके, ताकि आगे अगर कभी डिमांड आती है तो उस माल को निकाल के उससे प्रोडक्ट को बनाया जा सके। तो इन्वेंट्री हो गई आपकी, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन लाइंस हो गई, इंस्पेक्शन पॉइंट्स हो गए और रॉ मटेरियल, तो ये पांच चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका ब्लू कलर का टैग दिया जाता है। तो इसमें इन्वेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री को याद रखिए, रॉ मटेरियल को याद रखिए आप लोग, साथ साथ इंस्पेक्शन पॉइंट को याद रखिए, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं अब वाइट कलर का। तो देखिए, इक्विपमेंट्स एंड फिक्स्चर्स में यूज़ किया जाता है, प्रोसेस मटेरियल, जो मटेरियल प्रोसेस में, मतलब ऑलरेडी काम में लगा हुआ है उसमें, रिपेयर टूल्स, जो टूल्स रिपेयर हैं, रिपेयरिंग के टूल्स होते हैं उनके लिए वाइट कलर दिया जाता है, और साथ साथ जो क्लीन लाइन्स होती हैं, जो साफ लाइन्स होती हैं उनके लिए हम वाइट कलर का देते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इसे आप एक, मैं आपको इसकी दे दूंगा, आपका इसकी जो इमेज है इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको टेलीग्राम में। ब्लैक कलर, जो काम अभी चल रहा है तो वहाँ पर ब्लैक कलर होगा, यानी वर्क इन प्रोसेस है। मटेरियल एंड कंपोनेंट्स के लिए भी यहाँ पे दिया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर ब्लैक कलर रॉ मटेरियल के भी देते हैं जो होता है। ब्लू कलर भी रॉ मटेरियल के लिए दिया जा सकता है, ब्लैक कलर भी दिया जा सकता है, तो दोनों चीज़ें कलर दिए जा सकते हैं, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई काम प्रगति पर है, कोई काम चल रहा है, तो वहाँ पर आपका ब्लैक कलर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं ब्लैक के बाद आते हैं आगे ग्रे कलर पे। तो देखिए, जो फ्लोर स्टैंड डिस्प्ले होती है, फ्लोर स्टैंड डिस्प्ले होती है, रैक्स होते हैं, स्टोरेज होती है, वेयर हाउस होते हैं, जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं कंपनी के, जहाँ पे सामान लगा जाता है, तो उनको ग्रे कलर से यहाँ पर कोटिंग दी जाती है GS के अंदर। इसी तरीके से याद रखते हैं ब्लैक और येलो, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो फ्लेमेबल हों, जिनमें आग लग सकती है, या कम्बस्टन मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर ज्वलनशील आइटम होते हैं, उसमें ब्लैक एंड येलो कलर का यहाँ पे दिया जाता है। और ये जो एरिया होता है बहुत ही कॉशियस वर्क एरिया होता है, मतलब सावधानी पूर्वक यहाँ पे काम करना होता है, तो यहाँ पे ब्लैक और येलो कलर का यहाँ पे दिया जाता है। आगे बढ़ सकते हैं, अगर ब्लैक और वाइट कलर दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एरियाज टू बी क्लैरिफाइड फॉर ऑपरेशनल पर्पज़, ऐसा एरिया जहाँ पे ऑपरेशंस जो है पर्पज़ के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, उन एरिया को हम ब्लैक एंड वाइट दिया जाता है। नॉट रिलेटेड टू सेफ्टी
कंप्लेंट, और जो कि मतलब ये सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे एरिया जहाँ पे ऑपरेशन पर्पस के लिए सड़क की रहते हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट से आपको दे रहता है। तो ये आपकी है कुछ इंपॉर्टेंट जिसे आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रॉ मटेरियल के लिए कौन सा कलर, ब्लू कलर, अनयूज आइटम के लिए कौन सा कलर दिया जाता है, तो रेड कलर दिया जाता है। सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए कौन सा जाता है, ग्रीन कलर दिया जाता है। ऑपरेशन के लिए कौन सा देता है, ऑरेंज कलर। स्टोरेज के लिए ऑरेंज कलर दिया जा सकता है। अगर हम बात करें ट्रैफिक लेंस में कौन सा कलर होता है, तो येलो कलर होता है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आ सकता है, एक दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी ना किसी की शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन उन्हें मिलेगा ही कि कौन से कलर से क्या होता है। तो ये वीडियो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई जिसमें मुझे कलर के बारे में कोडिंग बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।